दोस्तों नमस्कार। चलिए हम अपने नए पोखरा पे जो बोरिंग करा रहे हैं उसके लिए पाइप, छोटे पाइप की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लिफ्ट मशीन पे उसका चूड़ी कटवा रहे हैं। आप देख सकते हैं यह पतला चूड़ी वाला है, तो इसके लिए उस मोटा पाइप वाला है, तो उसको हम यहाँ पर मोटा चूड़ी वाला कटवा रहे हैं पाइप और बोरवेल कराएँगे आज बोरिंग। बोरिंग हलवा रहे हैं पोखरा पे। अब कहाँ काट के निकला गला बड़ा लका उभर सही हो गला किटवा ढुको लेता है में। अच्छा ये भी बड़ा चूड़ी आ जाता बा तो फिर दूसरा का भाई के लगा का भाई कहां का सही मामल वाला टिप ज्यादा है तो लील बड़ा तो नहीं मनी 10 को टिप ले लील बड़ा है वो कहता है 5 को टिप हो जाए 10 को कहता है गाड़ी में मारा है 1.5 इंच हटे। दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम अपने नए तालाब पे बोरवेल करा रहे हैं और गलत पाइप डालने का नतीजा देखिए क्या हुआ है कि यह पाइप देखिए लोकल डला गया है, जिसके चलते पाइप मेरा यहीं से फट गया है ना। देख सकते हैं भारत है ना। इसको लोकल पाइप डला गया है ना, तो पाइप को अभी भी डलवाना है तो अच्छा पाइप डलवाइए लो, जिसमें से मिस्त्री कर रहे हैं प्रिंस मुंबई का ओरिजिनल पाइप आता है, तो वो पाइप डलवा। देखिए इसको गर्म करके और उसको काट करके फिर वो लोहा गर्म करके फिर इसमें पाइप कटा गया है, गर्म कर रहे हैं, गर्म करके और फिर इसमें इसको पहनाया जाएगा, उसके बाद सीमेंट बालू से पूरा कंक्रीट किया जाएगा। अब देख सकते देखा जाए पाइप वाला हो एम कुछ पाइप देखा जाए, देख सकते हैं लोकल पाइप डालने की वजह से किस तरह से फट गया है पूरा है ना। लोकल पाइप डालने से यही सब प्रॉब्लम समस्या आता है ना, तो आप ऐसा गलती कभी भी ना करें। एक हिंद का पाइप आता है, एक प्रिंस मुंबई का पाइप आता है, वो सब ओरिजिनल होता है, तो वो सब चीज़ आप ध्यान देंगे। तो अभी इसको गर्म करके इसको लगाया जाएगा, देख सकते हैं हटाओ करके खोल ले आई। तो उसको गर्म करके पहना दिया गया है, अभी ट्यूब बांध करके उसमें सीमेंट बालू से कंक्रीट किया जाएगा इसको, उसके बाद फिर कल देखा जाएगा कि अभी सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए कितना पूरे मेहनत हो रहा है, इधर पानी को देखिए पूरा पोखरा के पानी को इधर बांध बांध करके रोका गया है, फिर इसमें एक आदमी घुसा है उसको रिपेयरिंग कर रहा है। अभी 100% भी इसका गारंटी नहीं है कि सक्सेस होगा कि नहीं, इसलिए पाइप कभी भी आप लगाइए तो ओरिजिनल पाइप डालिए, डुप्लीकेट डालने से यही सब नतीजा होता है। हम तो एक बार मतलब धोखा खा चुके हैं। आप लोग कभी भी बोरवेल कराइए तो ओरिजिनल पाइप डालिए, जिससे कि आप लोग को इस सब समस्या का सामना नहीं करना पड़े। हो रहा है ठीक है, अभी देख सकते हैं कि उसमें कितना उसको प्रेशर बनाया जा रहा है। अभी इसका कनेक्शन भी हम खींच लिए हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे वो पोल पर से कनेक्शन लाए हैं वहाँ से है ना, और इसको देखिए आप ये कूड़ा हो रहा है ना, आप देख सकते हैं नया वाल है, लीकेज उठा रहा है। सब रविंदर सिंह के माल आ जाती सही में। दोस्तों नमस्कार। चलिए आज 6 जुलाई 2023 है और मैं जो नए तालाब का निर्माण करवाया था, देखिए आज इसमें फाइनली मैं पानी चला चुका हूँ। अभी और आज रात भर पानी चल जाएगा,
तो इसमें पानी मतलब पूरा लेवल में मछली छोड़ने तक आ जाएगा। इसमें हम अपना जो दोनों छोटा तालाब है उसमें ज़्यादा मछली हो गया है, तो 4000 उसमें से प्यासी निकलवा करके इसमें डालेंगे और 2 क्विंटल इसमें रेहू कतला और 2.5 क्विंटल इसमें रेहू कतला बच्चा डालेंगे। वो भी 1-2 दिन के अंदर डलाएगा तो उसका वीडियो हम आप लोग को दिखाएंगे। फिलहाल में अभी आप लोग चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, क्योंकि मैं और भी बहुत सारा चीज़ मतलब शुरू करने वाला हूँ, जिससे कि उस सब का जानकारी मैं आप लोग से साझा कर सकूँ, जिससे आप लोग का भी मनोबल बढ़ेगा तो आप लोग भी लाइफ में आगे कुछ कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं होता है, अगर ठान ले तो सब काम आसान हो जाता है।